नमस्कार, आप देख रहे हैं सिल्क टीवी और मैं हूं आपके साथ निशा। आइए करते हैं खबरों की शुरुआत। सबसे पहले नजर डालते हैं आज की हेडलाइंस पर। जन कल्याणकारी योजना के लाभुकों से पीएम मोदी ने किया संवाद, 10 करोड़ किसानों के खातों में भेजी जा रही है राशि। विश्व तंबाकू निषेध दिवस पर भागलपुर में आईडीए ने लगाया शिविर, 15 मरीजों में मिले कैंसर के लक्षण। इस्माइलपुर में टोली में चल रहे कटाव निरोधी कार्य का मंत्री ने किया निरीक्षण, कहा 15 जून तक कार्य पूरा नहीं होने पर दर्ज होगी एफआईआर। ससुराल गए दामाद की कुएं में डूबकर हुई मौत, मृतक के परिजनों ने ससुराल वालों पर लगाया हत्या का आरोप। और टीएनवी कॉलेज में शॉर्ट टर्म कोर्स करने वाले स्टूडेंट्स को मिला सर्टिफिकेट, शिक्षक हुए सम्मानित। अब खबरें विस्तार से। भागलपुर समीक्षा भवन में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के द्वारा वर्चुअल माध्यम से आयोजित किए गए गरीब कल्याण सम्मेलन को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने संबोधित किया, जिससे देश के अलग अलग हिस्सों से जुड़े अधिकारियों और लाभार्थियों ने जुड़कर पीएम से संवाद किया। वहीं इसको लेकर वर्चुअल माध्यम से भागलपुर समीक्षा भवन से जुड़े लाभार्थियों से पीएम नरेंद्र मोदी ने जन कल्याणकारी योजनाओं से संबंधित संवाद किया। इस दौरान प्रधानमंत्री जन कल्याणकारी योजनाओं के अलावा पीएम मोदी ने प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि के तहत लाभुकों के खाते में ट्रांसफर की गई राशि के बारे में जानकारी दी। प्रधानमंत्री ने बताया कि केंद्र सरकार ने 10 करोड़ से अधिक किसानों के खाते में 21,000 करोड़ से अधिक की राशि का हस्तांतरण किया जा रहा है। मौके पर सांसद अजय मंडल, जिलाधिकारी सुब्रत कुमार सेन, मेयर सीमा शाह, जिला परिषद अध्यक्ष अनंत कुमार उर्फ टुनटुन शाह, डीडीसी प्रतिभा रानी समेत कई जनप्रतिनिधि, सामाजिक कार्य से जुड़े लोग और विभिन्न योजनाओं के लाभार्थी मौजूद रहे। प्रत्येक वर्ष 31 मई को विश्व तंबाकू निषेध दिवस मनाया जाता है। इस दिन को मनाने का उद्देश्य लोगों को तंबाकू से होने वाली घातक बीमारियों के बारे में जागरूक करना है। इधर विश्व तंबाकू निषेध दिवस पर इंडियन डेंटल एसोसिएशन अंग प्रदेश भागलपुर की ओर से घंटाघर चौक के समीप जागरूकता सह जाँच शिविर का आयोजन किया गया। कैंप में दर्जनों लोगों के दंत एवं मुख की जाँच की गयी, जिसमें 15 मरीज वैसे मिले जिसमे कैंसर के प्रारंभिक लक्षण पाए गए। कैंसर के प्रारंभिक लक्षण वाले सभी मरीज को आईटीए के डॉक्टरों ने मुफ्त चिकित्सा हेतु क्लिनिक में आने की बात कही। साथ ही गंभीर लक्षण वाले 5 मरीज को आयुष्मान कार्ड बनाने की सलाह दी। शिविर में डॉक्टर विनोद कुमार ने लोगों से तंबाकू छोड़ने की अपील की। वहीं आईटीए के सचिव डॉक्टर जौहर साजिद और कोषाध्यक्ष डॉक्टर शुभांकर कुमार सिंह ने कहा कि वर्तमान समय में भारत में सबसे ज्यादा ओरल कैंसर के मरीज पाए जा रहे हैं, जिसका मुख्य कारण पान मसाला, गुट का, सिगरेट, बीड़ी, खैनी और गुल है। डॉक्टर शुभांकर ने बताया कि तंबाकू के सेवन से दांत कमजोर पड़ जाते हैं और समय से पहले ही गिर जाते हैं। अवेयरनेस कैंप में डॉक्टर गीतांजलि, डॉक्टर अजय भारती, डॉक्टर कृति प्रकाश तोमर समेत आईडीए से जुड़े कई चिकित्सक मौजूद थे। देखिए, आज 31 मई वर्ल्ड नो टोबैको डे के तहत पूरी दुनिया में मनाया जाता है। इसमें हम लोग नॉर्मलाइज, हम लोग जो पेशेंट्स को बोलते हैं उनका फ्री में ओरल हेल्थ चेकअप करते हैं। अगर कोई बंदा गुटखा खा रहा, उसके होने वाले दुष्परिणामों से, इसके होने वाली बीमारियों से क्या क्या लक्षण होता है, ये सारे चीज़ों से उनको जागरूक करते हैं और आगे क्या हो सकता है इसके लिए भी हम लोग बताते हैं। आज भी तंबाकू रहित दिवस जिसको हम 21 मई को मनाते हैं, और हमारा इस दिन का संकल्प यही है कि हमारा भागलपुर, हमारा बिहार जो है तंबाकू रहित, जिस मैक्सिमम जो हमारे देश में, भारत देश में सबसे कॉमन कैंसर जो आज है ओरल कैंसर है, और उसका मुख्य कारण है तंबाकू, पान, बीड़ी, गुटखा, गुड़, ये हम सभी शौक से यूज करते हैं। और ये शौक बहुत बुरी चीज़ है। ये शौक जो लत लग जाती है तो धीरे धीरे आपके गाल को काटता है और एक ऐसी स्थिति आती है कि आपके हड्डी को काट के हटाना पड़ता है। इधर वर्ल्ड नो टोबैको डे पर भागलपुर के प्रसिद्ध मुख एवं दंत रोग विशेषज्ञ डॉक्टर साकेत बिहारी शरण ने बताया कि तंबाकू सेहत को नुकसान पहुंचाता है, ये आंखों की रोशनी भी कम कर देता है। उन्होंने कहा कि तंबाकू का सेवन फेफड़ों के लिए खतरनाक है। डॉक्टर एसबी शरण की माने तो करीब 35% भारतीय किसी न किसी प्रकार से तंबाकू का इस्तेमाल करते हैं। विश्व तंबाकू निषेध दिवस पर हमारी लोगों से अपील है कि तंबाकू या तंबाकू से बने हुए जितने भी उत्पाद हैं उनका सेवन ना करें, क्योंकि इससे जो है जानलेवा बीमारी, कैंसर और इस
इस तरह की कई बीमारियां हैं जो आम लोगों में हो रही हैं, मुख का कैंसर जिसमें ज्यादा ही प्रभावी है। तो हम लोगों से अपील कर रहे हैं कि इस बुराई को छोड़ें, और ये नहीं कि सिर्फ आज के लिए छोड़ें, आज संकल्प लें कि अब हम हर दिन के लिए छोड़ें। वहीं शहर के दंत एवं पायरिया रोग विशेषज्ञ डॉक्टर अभिषेक सिन्हा ने बताया कि तंबाकू का सेवन सिर्फ आपको ही नहीं बल्कि अगली पीढ़ियों की सेहत के लिए भी नुकसानदायक है, इसलिए धूम्रपान कभी नहीं करना चाहिए। डॉक्टर अभिषेक ने कहा कि धूम्रपान के कारण कैंसर होने का खतरा 20 गुना बढ़ जाता है। उन्होंने बताया कि आजकल तंबाकू, सिगरेट और हुक्का पीने को युवा पीढ़ी अपना स्टेटस सिंबल मानने लगे हैं, लेकिन यह आदत उनके जीवन के लिए घातक है। पहले तो तंबाकू निषेध दिवस के दिन मैं ये कहना चाहूँगा कि गुटखा, तंबाकू, बीड़ी, खैनी, ये सबका सेवन आप लोग जल्द से जल्द बंद करें। और पिछले कुछ महीनों में हमारे क्लिनिक पे कैंसर के रोगियों की मात्रा बहुत ज़्यादा बढ़ते जा रही है, और ऐसे भी कई लापरवाह लोग हैं जिनको कैंसर जैसे लक्षण मुँह में आ रहे हैं लेकिन फिर भी वो इस चीज़ को समझ नहीं पा रहे हैं। तो इसीलिए जो इसके लक्षण हैं जैसे मुँह में सफ़ेद दाग, लाल छाले, जो भी इस तरह की चीज़ें हैं, और अगर आप गुटखा तंबाकू खाते हैं तो कृपया आप सजग हो जाएं, जल्द से जल्द अपने डॉक्टर को दिखाएं। विश्व तंबाकू निषेध दिवस पर भागलपुर के मैक्सिलोफेशियल सर्जन डॉक्टर कुंदन शाह ने कहा कि तंबाकू के सेवन से कई तरह के जानलेवा बीमारियां होने का खतरा बढ़ जाता है। इनमें फेफड़े का कैंसर, लीवर कैंसर, मुंह का कैंसर, हृदय रोग जैसी कई गंभीर बीमारियां शामिल है। उन्होंने बताया कि मुंह में किसी प्रकार का घाव होने पर इसे हल्के में ना लें। अगर कोई जख्म या घाव 14 दिनों में ठीक नहीं होता है तो डॉक्टर से जरूर दिखाएं। ऐसे जख्म कैंसर के लक्षण भी हो सकते हैं जिन्हें समय रहते पहचानने की जरूरत है। डॉक्टर कुंदन ने कहा कि अधिकतर लोग जानकारी के अभाव में एंटीबायोटिक एवं दर्द निवारक दवाओं का सेवन करते हैं जिससे समस्या और बढ़ जाती है। टोबैको और उससे रिलेटेड प्रोडक्ट को एकदम छोड़ दें। इससे सबसे ज्यादा मुंह में जो देखा जा रहा है, क्योंकि मैं मैक्सिलोफेशियल सर्जन हूं तो देखता हूं कि एवरी डे कैंसर रोगी आ रहे हैं, दिखा रहे हैं, और एक ही मेजर कॉज है तंबाकू और उसके रिलेटेड प्रोडक्ट। लोग बोलते हैं सर हम तंबाकू नहीं खाते, हम पान खाते हैं। अरे भाई, पान में भी तो तुलसी डालते हैं। तो इसलिए तंबाकू और से जो रिलेटेड प्रोडक्ट सब छोड़ दें, गुल का सेवन छोड़ दें, तो एटलीस्ट आप मुंह के कैंसर से एकदम बचने का प्रयास कर बचेंगे और कोई दिक्कत आपको नहीं आएगी। वहीं विश्व तंबाकू निषेध दिवस पर अखिल भारतीय साहित्य संस्कृति सम्मेलन बाराहाट ईशीपुर की ओर से साहित्यकारों, शिक्षकों और छात्र छात्राओं ने आम लोगों के बीच जागरूकता अभियान चलाया। वहीं इसको लेकर संस्था के उपाध्यक्ष हरेराम निराला की मौजूदगी में सभी पदाधिकारियों और छात्र छात्राओं को तंबाकू, सिगरेट, खैनी समेत नशीली पदार्थों का सेवन नहीं करने की शपथ दिलाई गई, जबकि सभी ने दूसरों को भी इसके प्रति जागरूक करने का संकल्प लिया। इस दौरान अनुराग कुमार, कृष्ण कुमार, खुशी खान और चांदनी कुमारी समेत संस्थानों के छात्र छात्राओं ने तंबाकू निषेध पर अपनी बात रखते हुए लोगों को जागरूक किया। मौके पर सचिव मुकेश आजाद, शिक्षक चंदन मंडल, गुरुदेव साह और प्रोफेसर सुदामा महतो के अलावा कई शिक्षक और छात्र छात्रा मौजूद रहे। बिहार सरकार के जल संसाधन मंत्री संजय झा बाढ़ के पूर्व की तैयारियों का जायजा लेने के लिए मंगलवार को भागलपुर के नवगछिया पहुंचे, जहां मंत्री ने गोपालपुर और इस्माइलपुर प्रखंड में निर्माणाधीन बांध पर हो रहे कार्यों को देखा। वहीं कार्य में देरी को देखते हुए मंत्री ने अधिकारियों को तय समय सीमा में 15 जून तक कार्य नहीं होने पर संवेदक के खिलाफ प्राथमिकी दर्ज करने का निर्देश भी दिया। वहीं इस्माइलपुर प्रखंड के जिला परिषद विपिन मंडल ने मंत्री को बताया कि इस बार भी कार्य में काफी विलम्ब हो रहा है, जिससे इसका अंदाजा लगाया जा सकता है कि कार्य कितना संतोषप्रद होगा। जबकि चूहा द्वारा 15 मीटर चौड़ा बांध काटने की बात पर कई सवाल खड़े किए गए। इधर बांध पर बने हुए घर को लेकर मंत्री और सरकार को घेरते हुए कहा कि किसान ने अपनी जमीन लिख दी, लेकिन सरकार के मुलाजिम किसानों को अब तक उचित मुआवजा भी नहीं दे सके। वहीं निरीक्षण के दौरान मंत्री के साथ जल संसाधन विभाग के प्रधान सचिव और विभाग के कई वरीय अधिकारियों भी मौजूद थे। गंगा की कटाव का ये समस्या तो है भाई, चोरी छिपे करता है, ये तो पकड़ा भी जाता है, ये तो पूरा बिहार में ये समस्या है, देश में समस्या है। हाँ, कोई आपको भी जानकारी हो, पत्रकार है तो हम लोगों को दीजिए, पकड़वाएंगे उसको। हम लोग भी अलर्ट रहते हैं, प्रशासन में कहेंगे, लेकिन ये अपील आपके माध्यम से जरूर लोगों से करेंगे कि बांध के ऊपर खर पतवार मत रखिए। हम लोग इंस्पेक्शन भी करेंगे तो पता नहीं चलेगा कि नीचे कोई ऐसा जानवर जा करके छेद कर दिया, कुछ कर दिया। और पिछली बार ये समस्या आई थी, हम लोग देख चुके हैं। अपील होगा लोगों से, मत रखिए। सर, नवगछिया अनुमंडल के बहुत सारे गाँव इस बार बच जाएंगे,
बचेंगे, बिल्कुल बचेंगे, और हम पूरा डिपार्टमेंट। भागलपुर के पीरपैती प्रखंड रिफातपुर सिमानपुर पंचायत अंतर्गत पसाहीचक गांव में दो दिन पूर्व महेश चौधरी का 30 वर्षीय पुत्र पंकज चौधरी पत्नी और बच्चों के साथ अपने ससुराल गया था, जिसका शव सोमवार की सुबह ससुराल के सामने कुएं से बरामद हुआ। वहीं मृतक के ससुराल वालों का कहना है कि पंकज चौधरी बाजार से घर आने के बाद अपनी पत्नी से स्नान करने की बात कहकर कुआं के पास गया, तभी कुआं के पास कचली होने के कारण उसका पैर फिसल गया, जिससे पंकज कुआं के अंदर गिर गया। वहीं आवाज सुनकर जब उसकी पत्नी घर से बाहर आई तो देखा पंकज चौधरी कुआं में गिर गया था, जबकि उसे तैरना नहीं आने के कारण 20 फीट पानी के अंदर चला गया, जिससे उसकी मौत हो गई। इधर मामले की जानकारी मिलते ही मृतक के पिता और घर वाले के अलावा ऋषिपुर थानाध्यक्ष अरविंद सहनी दलवल के साथ मौके पर पहुंचे और काफी खोजबीन के बाद कुएं से पंकज का शव बरामद हुआ। वहीं इस घटना को लेकर पंकज के माता पिता और भाइयों ने पंकज की पत्नी पर ही उसकी हत्या कर शव कुएं में फेंक देने का आरोप लगाया है और जमकर हंगामा भी किया, जबकि पुलिस ने शव को अपने कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भागलपुर मेडिकल कॉलेज भेज दिया। भागलपुर TNV कॉलेज प्रशाल में मंगलवार को सर्टिफिकेट डिस्ट्रीब्यूशन प्रोग्राम संपन्न हुआ, जिसमें विगत दिनों महाविद्यालय में आयोजित कल्चरल प्रोग्राम, कॉलेज स्पोर्ट्स, फैकल्टी डेवलपमेंट प्रोग्राम एवं वैल्यू एडेड कोर्स एवं विभिन्न एकेडमिक एक्टिविटीज के प्रतिभागियों को प्रमाण पत्र दिया गया। कार्यक्रम की अध्यक्षता प्रधानाचार्य डॉक्टर संजय कुमार चौधरी ने की। वहीं अपने संबोधन में प्रिंसिपल ने NAC के विभिन्न मापदंडों पर विस्तृत से चर्चा करते हुए छात्र छात्राओं के सर्वांगीण विकास के लिए भौतिक, सांस्कृतिक और खेलकूद कार्यक्रमों को अनिवार्य बतलाया। कार्यक्रम को IQAC के कोऑर्डिनेटर डॉक्टर संजय कुमार शाह, सांस्कृतिक परिषद की अध्यक्ष डॉक्टर अर्चना कुमारी शाह, स्पोर्ट्स काउंसिल के अध्यक्ष डॉक्टर राजीव कुमार सिंह, डॉक्टर गरिमा त्रिपाठी, डॉक्टर राजेश कुमार तिवारी, डॉक्टर सच्चिदानंद पांडे और वैल्यू एडेड कोर्स के कोऑर्डिनेटर डॉक्टर सुमन कुमार ने भी संबोधित किया। इस दौरान वैल्यू एडेड कोर्स के कोऑर्डिनेटर डॉक्टर सुमन कुमार, डॉक्टर रविशंकर कुमार चौधरी एवं डॉक्टर श्वेता पाठक को प्रिंसिपल डॉक्टर संजय कुमार चौधरी ने बेहतर कार्य करने के लिए सम्मानित किया गया। इस अवसर पर फैकल्टी डेवलपमेंट प्रोग्राम और वैल्यू एडेड कोर्स में शामिल होने वाले महाविद्यालय के सभी शिक्षकों को प्रधानाचार्य के द्वारा सम्मानित किया गया, जबकि विभिन्न कोर्स करने वाले छात्र छात्राओं को भी सर्टिफिकेट प्रदान किया गया। मंच संचालन डॉक्टर मनोज कुमार और डॉक्टर सुमन कुमार ने किया। धन्यवाद ज्ञापन डॉक्टर रविशंकर चौधरी ने किया। कार्यक्रम में TNV कॉलेज शिक्षक संघ के अध्यक्ष डॉक्टर मुस्फिक आलम, सचिव निर्लेश कुमार समेत कई शिक्षक और स्टूडेंट्स उपस्थित रहे। और जितने भी वैल्यू एडेड हिलाए जितने भी सब कोर्सेस हैं, का उन्हें ज्ञान प्राप्त हो, केवल आना कक्षा करके चले जाना, TNV कॉलेज का विजन नहीं हो सकता। TNV कॉलेज का विजन ये बोलता है कि तुम एक संपूर्ण इंसान बनो और तुम्हें TNV कॉलेज अपनी अपॉर्चुनिटी प्रोवाइड करेगा कि जीवन के हरेक क्षेत्र में डिसेंसली कैसे तुम आगे बढ़ोगे, वो तुम्हारे शिक्षक उसी ख्याल से तुमको तैयार करें। अब तो चला एक छोटे से ब्रेक का, फॉरेन लौटेंगे, देखते रहिए सिल्क TV। आपके नजदीकी शहर बौंसी बिहार में एकमात्र फार्मेसी कॉलेज मॉडर्न इंस्टीट्यूट ऑफ फार्मेसी, जिसमें आपको मिलेगी स्मार्ट क्लास, स्मार्ट लैब और लाइब्रेरी जैसी अत्याधुनिक सुविधाएं। अब आप भी डी फार्मा और बी फार्मा जैसे फार्मेसी कोर्स कर एक निश्चित सरकारी या गैर सरकारी संस्था में जॉब पा सकते हैं, साथ ही अपना खुद का मेडिकल स्टोर भी खोल सकते हैं। इतना ही नहीं, बिहार झारखंड एवं केंद्र सरकार द्वारा प्रदत्त छात्रवृत्ति का लाभ भी प्राप्त कर सकते हैं। आइए अपने बच्चों को इंटर के बाद फार्मेसी कोर्स करवाकर स्वास्थ्य के क्षेत्र में उनका स्वर्णिम भविष्य बनाइए। ब्रेक के बाद फिर से एक बार आपका स्वागत है। बढ़ते हैं अगली खबर की ओर।
कहलगांव के रसलपुर थाना क्षेत्र अंतर्गत रसलपुर गांव में जमीनी विवाद में दो गुटों के बीच जमकर हिंसक झड़प हुई, जिसमें एक व्यक्ति की मौत हो गई, जबकि घटना में तीन लोग घायल हैं, जिसे इलाज के लिए अस्पताल में भर्ती कराया गया। वहीं घटना से आक्रोशित मृतक के परिजनों ने सड़क जाम कर जमकर हंगामा किया, जबकि इसकी सूचना मिलते ही कहलगांव SDPO शिवानंद सिंह रसलपुर थाना समेत कई थाना की टीम लेकर मौके पर पहुंची और विधि व्यवस्था को नियंत्रित किया। घटना को लेकर बताया जा रहा है कि दो भाई रुद्र मंडल और शिव नारायण मंडल में से एक भाई शिव नारायण मंडल की मौत पूर्व में ही हो चुकी है और शिव नारायण मंडल का उसके भाई रुद्र मंडल से जमीनी विवाद चल रहा था, जबकि शिव नारायण मंडल के दो पुत्र विवेकानंद मंडल और सुनील मंडल से भी रुद्र मंडल का जमीन को लेकर विवाद चल रहा था। बताया जा रहा है कि जिस जमीन को रुद्र मंडल अपना बता रहा है, उसी जमीन को मृतक विवेकानंद मंडल भी अपना बता रहा है और इसी को लेकर हुआ विवाद काफी बढ़ गया और लाठी डंडे एवं रॉड से दोनों गुटों के बीच हुई मारपीट में घायल हुए विवेकानंद मंडल की मौत हो गई। सब दिन से मालिक है, शुरुआत से वो मालिक है, वो मनमोने जो है अपने मन से हर जगह ले लिया, जहां हमको हिसाब दिया था वहां भी वह जो है हिसाब देने के लिए नहीं चाह रहा है। वहाँ जो है पिलर उलर वो गाड़ दिया था, तो एक दिन मेरा ड्राइवर, मुझे ट्रैक्टर है, मेरा ड्राइवर गया पिलर उलर देखा नहीं, जो है जोत दिया तो बोला कि तुम्हारा मन बढ़ गया है, तुम पिलर अलगा दिया और आकर के मुझे जो है सब में मारने लगा और उसका सरगना देने वाला प्रमोद मंडल है। भागलपुर हवाई सेवा संघर्ष समिति की ओर से बाबा बिरदेश्वर नाथ मंदिर में मंगलवार को हवन कार्यक्रम का आयोजन किया गया, जिसमें समिति से जुड़े लोगों ने बाबा बुढ़ानाथ से हवाई सेवा शुरू करने को लेकर राजनेताओं को सद्बुद्धि देने की प्रार्थना की। दरअसल भागलपुर से हवाई सेवा शुरू करने की मांग को लेकर 33 दिनों तक हवाई सेवा संघर्ष समिति की ओर से महाधरना दिया गया था, जिसके बाद पहल करते हुए भागलपुर सांसद अजय मंडल ने हवाई सेवा जल्द शुरू करवाने का भरोसा दिया था और इसको लेकर दिल्ली में उड्डयन मंत्री से सेवा संघर्ष समिति के सदस्यों की मुलाकात भी करवाई गई थी, जबकि एक निजी एयरलाइंस के पदाधिकारी ने भागलपुर हवाई अड्डा का निरीक्षण कर यहां से जल्द ही छोटे विमान का परिचालन शुरू कराने की बात कही थी। वहीं इस भरोसे और जल्द ही भागलपुर हवाई अड्डा से ट्रायल कराने की बात पर समिति के द्वारा दिया गया धरना कार्यक्रम में तत्काल स्थगित कर दिया गया था, लेकिन धरना समाप्त होने से एक माह से अधिक का समय बीत जाने के बावजूद अब तक हवाई सेवा शुरू करने की दिशा में कोई कार्य नहीं किया गया। इसी को लेकर हवाई सेवा संघर्ष समिति ने बाबा बुढ़ानाथ मंदिर में हवन कर नेताओं को सद्बुद्धि देने के साथ भागलपुर की समस्याओं का समाधान करने की कामना की। भगवान के मंदिर में आकर आराधना कर रहे हैं कि जल्दी से जल्दी भागलपुर से हवाई जहाज की उड़ान शुरू करें, ताकि इसके अंदर में, जिसके अंदर में भी हमारे विचारों में कुरूतियां आ गई है, उसको भगवान सद्बुद्धि दे कि भागलपुर का विकास और भागलपुर के विकास के इस हवाई जहाज में जो विकास के पंख लगे हुए हैं वो आसमान में दिखने चाहिए, ताकि भागलपुर का विकास हो सके। भागलपुर के जगदीशपुर थाना क्षेत्र अंतर्गत सैदपुर घाट से ट्रैक्टर लेकर बांध पर चढ़ाने के क्रम में ट्रैक्टर पलट जाने से चालक की मौत ट्रैक्टर के नीचे दब जाने के कारण हो गई। मृतक चालक की पहचान भवानीपुर देसरी पंचायत वार्ड नंबर 5 भुराहा टोला निवासी चानो यादव के 25 वर्षीय पुत्र राजा यादव के रूप में हुई है। वहीं हादसे के बाद मृतक के सहयोगी ट्रैक्टर चालक की मदद से राजा को इलाज के लिए जगदीशपुर सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र पहुंचाया गया, जहां डॉक्टरों ने देखते ही राजा यादव को मृत घोषित कर दिया, जिसके बाद चालक के शव को जगदीशपुर पुलिस ने कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भागलपुर मेडिकल कॉलेज भेज दिया। बताया जा रहा है कि मृतक दो भाइयों में बड़ा था और उसके माता पिता दिव्यांग हैं, जबकि इस घटना से राजा की गर्भवती पत्नी सहित दिव्यांग माता पिता का बुरा हाल है। शायद ड्राइवर है वो गाड़ी, जैसा वो लोग बता रहे हैं कि पलटी हो गया, तो जो यहाँ पे लाए हैं तो लाने से हमको ऐसा अनुमान हो रहा था। कब जाया सर यहाँ पे? लगभग 3 घंटा पहले। हाँ, तो उस जब समय समय कितना हो रहा था? समय समय अभी 3 हो रहा है ना, अप्रॉक्स में 1:45 के आसपास में। तो उससे भी पहले उनका डेथ हो चुका है, तो हमने उसकी हृदय गति रुकी हुई थी, तो हमने CPR दिया, चेस्ट कंप्रेशन, ताकि कोशिश की कि कहीं अगर वो हृदय गति फिर से चालू हो जाए, बट ऐसा कुछ नहीं हुआ। तो मैंने उनको कहा भी कि भाई अब कुछ चांस नहीं है इसको, तो ये पसंद करेगा।
लखीसराय के भड़िया थाना क्षेत्र अंतर्गत नगर पंचायत वार्ड संख्या 11 नई छावनी निवासी विनोद महतो के पुत्र सूरज कुमार की हत्या मामले में भड़िया पुलिस ने बड़ी कार्रवाई की है। दरअसल पुलिस ने हत्याकांड के आरोपी जयराम महतो के पुत्र सोनू कुमार के घर की कुर्की जब्ती की, जिसके तहत SI रंजन कुमार समेत पुलिस बलों ने सोनू के घर के सभी सामानों की कुर्की जब्ती कर अपने साथ भड़िया थाने ले गई। वहीं इसको लेकर भड़िया थाना अध्यक्ष संजय कुमार ने बताया कि भड़िया थाना कांड संख्या 161/20 के तहत विगत 9 जुलाई को वार्ड नंबर 11 निवासी सूरज कुमार को पिस्तौल मांगने के विवाद में उसके दोस्तों ने घर से बुलाया और मुन्ना सिंह के बथान पर ले जाकर उसके साथ मारपीट कर उसे गंभीर रूप से घायल कर दिया था, जिसके कारण सूरज की मौत इलाज के दौरान बेगूसराय के एक निजी क्लिनिक में हो गई। और अंत में चलते चलते फिर से एक नजर आज की हेडलाइंस पर। जन कल्याणकारी योजना के लाभुकों से पीएम मोदी ने किया संवाद, 10 करोड़ किसानों के खातों में भेजी जा रही है राशि। विश्व तंबाकू निषेध दिवस पर भागलपुर में IDA ने लगाया शिविर, 15 मरीजों में मिले कैंसर के लक्षण। इस्माइलपुर में टोली में चल रहे कटाव निरोधी कार्य का मंत्री ने किया निरीक्षण, कहा 15 जून तक कार्य पूरा नहीं होने पर दर्ज होगी FIR। ससुराल गए दामाद की कुएं में डूबकर हुई मौत, मृतक के परिजनों ने ससुराल बालों पर लगाया हत्या का आरोप। और TNV कॉलेज में शॉर्ट टर्म कोर्स करने वाले स्टूडेंट्स को मिला सर्टिफिकेट, शिक्षक हुए सम्मानित। फिलहाल इस बुलेटिन में इतना ही, नमस्कार।